तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज मैं एक शो के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस शो का नाम है एक थी बेगम 2। और इस शो को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये शो हमको ऐसा क्या नया दिखाता है, और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा शो को देखते समय, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रिव्यू शुरू करते हैं। और इस शो में ना भाई कुल मिला के 12 एपिसोड होने वाले हैं, और पर एपिसोड आधे घंटे के आसपास होगा, और ये पूरी सीरीज ना भाई 6 घंटे के आसपास जाएगी। और ये शो आपको एमएक्स प्लेयर की स्ट्रीमिंग सर्विस पे देखने को मिल जाएगी। और अगर इस शो के बारे में बात करें ना, तो भाई ये शो ने भाई आते ही तहलका मचा दिया, और भाई पर्सनली ये शो मुझे बहुत पसंद आया। और अगर आपको गैंग वॉर जैसी मूवी पसंद है या वेब सीरीज पसंद है ना, तो ये शो आपके लिए एक मास्टरपीस होने वाला है भाई। इस शो को ना बिल्कुल मिस मत करना, और भाई इस शो में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। और इस शो को देखने के बाद भाई मैं कसम से टोटली इम्प्रेस हो गया था। और इस शो में जितने भी कैरेक्टर ना भाई, उनकी परफॉर्मेंस भाई बवाल। हमें जितने भी एक दो कैरेक्टर हैं जिनको भाई गैंगस्टर के रोल में दिया गया भाई, उनका डायलॉग डिलीवरी करने का तरीका भाई, जब आप उनको डायलॉग डिलीवरी करते हुए देखोगे ना, तो भाई उनकी एक्टिंग भाई एकदम परफॉर्मेंस ताबड़तोड़। और ये पूरी सीरीज ना लीला पासवान के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके पति का ना मर्डर हो जाता है, और उसके पति के मर्डर में जितने भी गैंगस्टर का हाथ होता है ना, वो कैसे कैसे उन सारे गैंगस्टरों का, उन सभी गैंगस्टर का सफाया करती है, आपको शो में देखने को मिलेगा। और आई थिंक इस शो की भाई जितनी तारीफ की जाए ना, उतनी कम है। और इस शो को देखते समय ना आप जरा से भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि भाई स्टोरी में ना इतने ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे, और कभी कभी तो भाई आप इतने एक्साइटेड हो जाएंगे, क्योंकि इस मूवी में एक दो सीन जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं। और इस शो में आपको देखने को मिलेगा, जब हम भाई क्राइम पेट्रोल देखते थे ना, तो उसमें जितने भी पुलिस के कैरेक्टर होते हैं ना, तो वो एक दो कैरेक्टर इस मूवी में आपको गैंगस्टर के रोल में दिखाई देंगे, और भाई कसम से उनकी परफॉर्मेंस और जिस तरह भाई वो डायलॉग डिलीवरी करते हैं ना भाई, ऑसम। और अगर इस शो में संदीप मेहता के कैरेक्टर की बात करें ना, जो एक शो में आते थे, और उस शो के अभी तक 220 एपिसोड पूरे हो चुके हैं, और वो ऑडियंस को ये नहीं बता पाए कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो कैरेक्टर आपको शो में देखने को मिलेगा। और आखिरकार इन्होंने इस सीरीज में प्रूफ कर दिया कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है, सच में भाई ऑसम। और अगर शो की बात करें ना, तो इस शो में जो लीला पासवान का कैरेक्टर ना, बहुत से गैंगस्टर होते हैं जो अपना धंधा जमाना चाहते हैं, जैसे चरस में, गांजे में या गन्स में, तो उसके लिए लीला पासवान का कैरेक्टर बहुत ज़रूरी होता है। और वो कैसे वो उनकी हेल्प करती है, और जब उसे लगता है ना कि उसकी जान खतरे में है, तो वो कैसे उन पर्सन को निपटा देती है, आपको शो में देखने को मिलेगा। लीला पासवान का जो कैरेक्टर ना भाई, उसको बहुत इंटेलिजेंट दिखाया है, और जब भी वो किसी दुविधा में पड़ जाती है ना, तो भाई उस सिचुएशन से कैसे निकलती है, अलग अलग तरीके दिखाई देंगे आपको शो में। और भाई लीला पासवान की एक्टिंग भाई कसम से मज़ा ही आ गया, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस। और लीला पासवान का जो कैरेक्टर है ना, वो दो तीन गैंग के बीच में फंस जाती है, और आखिर वो उन गैंग के बीच में से निकल पाएगी या नहीं, या कोई उसको जान से मार देगा, आपको शो में देखने को मिलेगा। और भाई इस शो में भाई गाली गलौज, वॉयलेंस और न्यूडिटी बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ इस शो को ना 18+ लोग ही देखना भाई, बच्चे नहीं देखना, मैं उनको कन्विंस करता हूँ। इस शो में जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी गैंगस्टर हैं, वो भाई आप पे एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। और इस शो की भाई जितनी लेंथ है ना, कम से कम 6 घंटे की, अगर वो लेंथ और बढ़ जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि भाई इस शो को देखते समय ना आप जरा सा भी बोर नहीं होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये एक फुल्ली इंटरटेनिंग शो है, ओनली फॉर 18+। और भाई इस शो को अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल मत देखना। इस शो में देखने को मिलेगा कि बहुत से गैंगस्टर है जो गांजे की जो सप्लाई है ना, अपने अंडर लेना चाहते हैं, लेकिन लीला पासवान का जो कैरेक्टर है ना, जहाँ पे खेती होती है वो हिमाचल प्रदेश चले जाती है, और वहाँ पे जितनी भी सप्लाई होती है ना, सारी सप्लाई अपने अंडर ले लेती है, और सारे डिस्ट्रीब्यूटर को वो खुद देती है। और भाई ये सीन मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा है। इसी गांजे की सप्लाई की वजह से ना, कुछ लोग उसके दुश्मन भी बन जाते हैं, और कुछ लोग उसको मारने की सोचते हैं, लेकिन मार पाते हैं या नहीं, आपको शो में देखने को मिलेगा। और अगर इस शो को आपने पहला सीजन नहीं देखा ना, तो भाई अगर आप सेकंड सीजन देखते हो, तो आपको कैरेक्टर से कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए पहले सीजन देख लेना, ताकि आपको दूसरा सीजन बड़ी आराम से समझ आ जाए। पर्सनली ये शो मुझे बहुत पसंद आया, और बहुत इंजॉय भी किया मैंने इस शो को। और भाई प्लीज़
इस शो को जरूर देखना एक बार, क्योंकि ये भाई इस शो में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, वरना भाई ये शो, वरना इस शो को देखने का ना आपका मजा खराब हो जाएगा। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये शो पसंद आया ना तो भाई आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। भाई इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे एंड सब्सक्राइब करे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।